अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह भाई, अभी टाइम देखे हैं 6:30 हो रहे हैं और मुझे जाना है फ्रूट्स वगैरह लेने, क्योंकि घर में अभी आज कोई भी नहीं है। सब अपने अपने, आपको पता है चांदत वाले दिन हैं तो हर बंदा निकला हुआ है। तो मैं भी कर रहा था ब्लॉग एडिट, तो अब मैं निकलता हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आपको बाहर का दिखाता हूँ, ईद के लिए बाहर का देखें हिस्सा कैसा वी आई पी कर दिया। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। ये देखें, ओए होए 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 होए, लुक देखें कैसा प्यारा आ रहा है। इकल इकल हुआ भाई सारा काम। भाई सामान लिया, टाइम कम होने की वजह से ब्लॉगिंग तर्क कर दी, और ये गिफ्ट का मैं बता दें आपको। के लिए नई LCD भी आ गई भाई। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया LCD आ गई माशाल्लाह से। ओह माय गॉड, 55 इंच के LCD। फटाफट तो LCD आ गई। ओहो भाई, ये क्या सिनेमा बनाने का है यहाँ पे, कह रहा था वो नहीं बना पालक वाले बनाऊंगी, अभी बनाओगी वो पालक काटा नहीं, काटा पालक काटा नहीं, और ये हमारे अब्बा को मिला है फ्रॉम किंग टॉक्स, क्योंकि किंग टॉक्स जो है वो उनका क्लाइंट है। तो ये देखें आप, इसमें अक्सर चीज़ें जो होंगी मेजर वो किंग टॉक्स से होंगी। भाई ये देखें LCD आ गई है माशाल्लाह से, 55 इंच की LCD है। देखो अब्बा को हमारे गले में लगा लिया गया। तो पर क्यों, कितने की आई है LCD? एक चालीस की। भाई ये 1:40 की LCD आई है हाई सेंस की 4K, इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको। यहाँ पे पकोड़े चले जा रहे हैं आखिरी अय्याम है रमजान के। ये लोग ये देखने का बोल रहे हैं, गिफ्ट हैंपर मिला है हमारे फादर को उनके क्लाइंट की तरफ से। इसमें सारी जो मेजर चीज़ें हैं ना, वो किंग टॉक्स की होंगी। तो ये गिफ्ट हैंपर है, क्या बोल रही है बताएं क्या बना रहे हैं आप, बोलें जरा। छोटा सा मुन्ना दानिया बने, दानिया इस तरीके से लेके भागे हैं। छोटा मुन्ना नहीं था मेरा, कि नूर को ना मिल जाए, कि माहिरों ना छीन ले, लेके भागू। हाँ भाई, गिफ्ट पे डिस्कशन चल रही है, पकौड़े तले जा रहे हैं। पालक वाले कहाँ हैं, अभी तक नहीं चले। अच्छा ये आ गया पालक, प्याज का अब मिर्ची। अच्छा पकौड़े बना लियो, पकौड़ियाँ बना लियो, पकौड़े भाई। ये भी एक जंग है कि पकौड़ा कौन बनाते हैं और पकौड़ियाँ कौन बनाते हैं। माशाअल्लाह बस पहली बिस्मिल्लाह हो हमारा काम है। हाई One hour later. ये देखें सारा पूरा पोर्शन पूरा फिनिश हो गया, पूरा देखें क्लीन हुआ है, क्योंकि अभी अभी इसका कलर हुआ है। तो ये ईद से पहले ईद की तैयारियां चल रही हैं माशाल्लाह से। और ये हमारा ये रूम हो गया, फिर ये बाहर का लॉन्च हो गया, और ये सेकंड रूम हो गया। तो ये था फिलहाल पीछे वाले घर का रिव्यू। और जो मेहमान वगैरह आएंगे, देखिए यहाँ आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सामान नहीं रखा हुआ। अब जो मेहमान वगैरह आएंगे वो इस पोर्शन में आएंगे, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन है हमारा और हम लोग ऊपर रहते हैं। जब भी इसको मेहमान के अकॉर्डिंगली हमने खाली करवा दिया कि भाई सारे मेहमान जो गेस्ट हैं, ईद के सेकंड डे हमारे घर जो होता है फुल भरा होता है, तो ईद के सेकंड डे जितने हमारे गेस्ट हैं वो सारे यहाँ पे आराम से सुकून से आ रहे हैं। इस वजह से इस पूरे पोर्शन को हमने रेडी कर दिया। तो भाई
इन सब कामों के अलावा भी एक काम है ज़िंदगी में जो है बेगम की ज़िम्मेदारी, तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ उनको लेने और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। ये क्या हुआ है भाई, इतना रश किस चीज़ का हुआ है? ये क्यों बैठे हैं भाई, बैठे हैं। ओहो भाई, ये माशाल्लाह भाई बड़ी प्यारी मेहंदी लगाई है आपने, पैरों पर भी लगा ली, बड़ा भी आईपी सुनोगे माशाल्लाह, चलो ज़बरदस्त। तो भाई ये मेहंदी लग चुकी है और हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो भाई ये गर्मा गर्म हम लोग लाए नुमान की बिरयानी रस्ते से, मसाले वाले निकाले नीचे से, वो सब मसाले वाले निकलेंगे सारी क्यों निकाल। 3 hours later। ओए होए भाई देखे सुबह हो गई माशाल्लाह, ये है आज आखिरी रोज़े की आखिरी सुबह और क्या टाइम हो गया, ये टाइम हो गया भाई 7 बजने वाले हैं और ये हम मौजूद हैं यहाँ पर और हमें एक और पार्सल रिसीव हुआ, तो हम आपको वो दिखाते हैं। ये देखें भाई, ये हमें एक पार्सल रिसीव हुआ जिसमें कुछ चॉकलेट्स हैं और स्नैक्स वगैरह हैं और ये लिखा हुआ है सजा मुस्कुराती रहो फॉर आर लिटिल कैंडी। तो आप लोग कुछ समझदार हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि आज का दिन हमारा ये था, अब कल का दिन देखेंगे कि हम कल के दिन क्या करते हैं इंशाल्लाह, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।